मर्तबा हमारे सियासतदानों की ईद कुछ फीकी रही, मगर जिनकी अपनी शुगर मिले हैं उनकी और बात है। हमारी तरफ से सियासतदानों को कुछ ईदियाँ, आइए देखते हैं। चौधरी शुजात साहब की ईदी। हम ख्याल ग्रुप का चौधरी शुजात को अपना ता हयात सदर मानने का ऐलान। जी, चौधरी साहब की हयात तक। परवेज इलाही की ईदी। बरतानिया की एक बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी का परवेज इलाही के पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ बयानात की एल्बम रिलीज करने का फैसला। जहांगीर बदर की ईदी। वजीर आजम का जहांगीर बदर को ऐसा वजीर बनाने का इम्कान जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़े। परवेज मुशर्रफ की ईदी। रानी मुखर्जी का परवेज मुशर्रफ के साथ एमरजेंसी हीरो फिल्म बनाने का। नवाज शरीफ की ईदी। आईन में तीसरी बार वजीर आजम बनने की शर्त का खात्मा। अल्ताफ हुसैन की ईदी। बरतानवी हुकूमत ने लंदन से कराची की कॉल फ्री कर दी। फजलुर रहमान की ईदी। मुसर्रत शाहीन ने जमीयत उलमा इस्लाम में शिरकत इख्तियार कर ली। इमरान खान की ईदी। तहरीक इंसाफ का जलसा उनकी जिंदगी में कामयाब हो गया। और जनाब सदर आसिफ अली जरदारी की ईदी। टीवी चैनल्स के तमाम एंकर्स गूंगे हो गए। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। मैम, ये है मिस महंगाई। अरे बैठे बैठे आप वहां पे। वैसे मैं बैठती नहीं, रुकती नहीं, आगे ही आगे बढ़ती जाती हूँ, ऊपर ही ऊपर और ऊपर। मेरा निशाना देखे जमाना, ऐसे तीर पे तीर चलाती हूँ, ऐसे वार करती हूँ कि कोई बच के ना जाए। आपको रहम नहीं आता गरीब अवाम पर जिनका खून चूस लिया है आपने? मैं खुद से खून नहीं चूसती मिस दुनिया, बल्कि मेरे जरिए मुझे बढ़ाने वाले आवाम का खून चूसते हैं। कौन है ये जो आपके जरिए आवाम से जीने की उमंग छीन लेते हैं? जखीरा अंदोज, मुनाफा खोर, हुकूमती एहलकार, अफसर शाही, ताजर, सनतकार, ब्लैकिये, एक्सपोर्टर्स और स्मगलर। बस कर दे मिस महंगाई, इतने सपोर्टर्स की मौजूदगी तो आपको कभी खत्म नहीं होने देगी। सिर्फ ये सपोर्टर्स ही नहीं, इन सब से बढ़कर मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों मिलकर खुल कर खेलते हैं, पर कोई हमें रोकने वाला नहीं। कौन है आपका बॉयफ्रेंड मिस महंगाई? हाँ हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड महंगाई का अफरेद, अगर तुम देखो तो डर जाओ बल्कि मर जाओ। कहाँ होते हैं ये महंगाई के अफरेद साहब, आई मीन आपके बॉयफ्रेंड? कहाँ कहाँ नहीं होता, अनाज की मंडियों में, एलपीजी के सिलेंडरों में, मार्केटों में, बाजारों में, यानी हर जगह हर वक्त, बल्कि वक्त बेवक्त। इसका मतलब है कि हर तरफ आप ही का राज है मिस महंगाई। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पूरे खानदान का राज है। What? खानदान? हाँ हाँ, मेरा खानदान, मेरे बहने, भाई, कजन, अंकल, आंटियाँ। भाई मेरी फूफो बेइंसाफी, मेरी खाला बेईमानी, मेरी ताई बद्दियांती, मेरे अंकल लूट कसूट, मेरी कजन हेरा फेरी, मेरा ताया जात भाई फ्रॉड, मेरी चची सिफारिश, मेरी नानी रिश्वत सतानी, हर तरफ मेरा खानदान काम कर रहा है, राज कर रहा है, राज। मगर हमारे यहाँ तो जमहूरियत का राज है। बहरूप धार लेने से चोर ढाकू लुटेरे बदल नहीं जाते मिस दुनिया। एक्सक्यूज मी मिस महंगाई, आपकी शादी हो गई है? वो मेरे बॉयफ्रेंड को नेपरा पेप्को ओग्रा वाले छुट्टी ही नहीं देते, ओवरटाइम लगवाते हैं, वो छुट्टी दे दो शादी करूँ ना। फिर तो आप अकेली उदास हो जाती होंगी। अरे नहीं नहीं, मेरे ट्विन्स बच्चियाँ गोद ले रखी हैं। कौन ट्विन्स बच्चियाँ? चीनी और बिजली। ये बिजली तो बड़ी ही लायक बच्ची है, पूरे मुल्क में मेरा नाम रोशन करेगी, हर हफ्ते उसका रेट बढ़ जाता है, यूं गिरती है वो आवाम पे बिजली बनकर। और दूसरी बेटी चीनी? अरे नाम की चीनी है, दरअसल जहर है जहर, हर रोज इसकी किल्लत अवाम की जिल्लत होती है, और हुक्मरानों की चांदी होती है। हुक्मरानों की चांदी क्यों? भाई जिसकी मिले होंगी उसकी चांदी होगी ना, और क्या आपके असिस्टेंट की चांदी होगी, इसकी तो कांसी भी ना होगी। मगर मिस महंगाई,
हुकूमत तो रोज आपको कंट्रोल करने की बातें करती है, प्लान्स बनाती है। हाँ हाँ, टोपी ड्रामा तो खत्म है हुकुमरानों पर। मगर कुछ तो सोचे मिस महंगाई, एक आम आदमी की आमदनी 3 से 4 हजार रुपया है, इतनी कम आमदनी में वो अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा? ये मेरे सोचने का नहीं, हुकूमत वक्त के सोचने का काम है। हुकूमत की कामयाबी इसमें नहीं कि वो आईनी मुद्दत पूरी करे, बल्कि उन्हें ये भी देखना चाहिए कि वो अपनी आवाम को मेरे चुंगल से बचा सके है कि नहीं, मुझ पर काबू पा सके है या नहीं, या फिर मेरी आड़ में वो अपनी तिजोरियां भरते रहे हैं।